हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी गॉडजिला के बारे में, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें कुछ साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहां कुछ वर्कर एक साथ एक माइन में काम कर रहे होते हैं। उन वर्कर्स पर नजर रखने के लिए एक डॉक्टर भी वहां मौजूद होता है। वह डॉक्टर उन्हें बताता है कि उन्हें काम करते हुए कुछ रेडिएशन टाइप का महसूस हो रहा है। जब डॉक्टर बताता है कि यहाँ पर रेडिएशन टाइप का महसूस हो रहा है, तो उन्हें लगता है शायद यहाँ पर बड़ी मात्रा में यूरेनियम मौजूद है, और वह सारे खुश हो जाते हैं और बड़ी बड़ी मशीनें मंगवा लेते हैं। और देखते ही देखते वह जमीन नीचे धंसने लगती है और गुफा जैसी बनने लगती है। तो डॉक्टर अपनी टीम को लेकर उस गुफा के अंदर जाने लगता है। जब वह जमीन के नीचे जाता है, तो वहां उसे एक बहुत बड़े और विशालकाय जानवर की हड्डियों का ढांचा मिलता है। जब डॉक्टर उसे ध्यान से देखते हैं, तो पाते हैं वह हड्डियों का ढांचा नहीं बल्कि बहुत बड़ा जानवर था, जो कि सो रहा था। और रोशनी मिलते ही वह गुफा से होते हुए समुंदर की ओर चला जाता है। दूसरी तरफ जापान में एक साइंटिस्ट, जो कि काफ़ी परेशान होकर किसी से बात करते हुए दिखाया जाता है, जो बोलता है कि जहाँ से वो जानवर निकला था, वहाँ से अर्थक्वेक होता हुआ यहाँ पर आ रहा है। उसका उस जगह पर एक प्लांट होता है। वह कहता है, अगर ऐसे ही अर्थक्वेक आता रहा तो मुझे अपना प्लांट बंद करना पड़ेगा। फिर वह साइंटिस्ट अपने वाइफ और अपने बेटे फोर्ड को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर वह अपनी वाइफ से कहता है, मुझे अर्थक्वेक का इस तरह आना जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो तुम मेरे साथ, मेरी टीम के साथ मेरे प्लांट में रहोगी। फिर वही साइंटिस्ट अपने प्लांट में पहुंच दिमाग लगाता है कि आखिर ये अर्थक्वेक के झटके क्यों आ रहे हैं और कहां से आ रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता चलता है। इसी के साथ वहां पे अर्थक्वेक के झटके फिर से आने शुरू हो जाते हैं, और इस बार अर्थक्वेक काफी तेजी से आता है। यह देखकर उस प्लांट में साइंटिस्ट की वाइफ भी आ जाती है और उसके टीम के साथी वहां से भागने लगते हैं, और एक प्लांट में ब्लास्ट होने की वजह से एक जहरीली गैस उसकी तरफ बढ़ने लगती है। साइंटिस्ट अपनी वाइफ को बचाने के लिए भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गैस पूरे प्लांट में फैल चुकी होती है और साइंटिस्ट की वाइफ चिल्लाकर बोलती है, तुम ये दरवाजा बंद कर दो इससे पहले कि ये गैस तुम्हारे पास पहुंच जाए। फिर अपने दिल में पत्थर रख के काफी उदास मन से साइंटिस्ट वो दरवाजा बंद कर देता है। फिर वह रोने लगता है, क्योंकि उसकी वाइफ अंदर रह जाती है, और दरवाजे के अंदर से उसकी वाइफ कहती है, आप अपने बेटे फोर्ड का ध्यान रखना। और तभी कुछ मिनट में पूरा का पूरा प्लांट ब्लास्ट हो जाता है और सारी वहां चीजें तबाह हो जाती हैं। फोर्ड यह सब कुछ अपने स्कूल से देख रहा होता। अब मूवी में हमें 15 साल बाद का समय दिखाया जाता है। फोर्ड अब एक फौजी बन चुका होता है, वह मैरिड होता है। तभी फोर्ड की वाइफ की कॉल आती है कि फोर्ड के फादर को पुलिस ने पकड़ लिया है। क्योंकि फोर्ड अपने फादर से बहुत ही नफरत करता होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके फादर ही उसकी मदर की मौत के जिम्मेदार हैं। अगर उसके फादर चाहते तो उसकी मम्मी को बचा सकते थे, लेकिन उसकी वाइफ के कहने पर वह अपने फादर को पुलिस से छुड़ाने चला जाता है। फिर दोनों घर आ जाते हैं, तो उसका फादर उसे बताता है कि बेटा फोर्ड, तुम्हारी मदर की मौत एक्सीडेंट नहीं थी बल्कि उसके पीछे रेडिएशन का कारण था, और हम वह अभी भी फेस कर रहे हैं। और अभी वह इसलिए अरेस्ट हुआ था क्योंकि मैं वहां गया था जहां पर पुलिस ने जाना मना किया है। और वह बताता है कि मैंने वहां की वॉइस फ्रिक्वेंसी नोट की है, वहां पर अजीबोगरीब आवाज आती है, इसलिए मुझे वहां जाना होगा और ये साबित करना होगा कि प्लांट में जो ब्लास्ट हुआ और तुम्हारी मम्मी की जो मौत हुई, उसका कारण कुछ और था, कोई एक्सीडेंट नहीं था। और यह सुनने के बाद फोर्ड भी अपने फादर के साथ वहां जाता है, और दोनों चेक करते हैं कि वहां कोई जहरीली गैस नहीं थी, और तभी पुलिस वहां आ जाती है और दोनों को पकड़कर वहां से ले जाती है। जैसा कि मूवी में हम लोग देखते हैं कि वहां पर वही डॉक्टर मौजूद होता है जो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया होता है। और फिर वे सब उसे साइंटिस्ट से पूछते हैं, आखिर तुम बार बार क्यों उसी जगह पर आते हो, और साइंटिस्ट अपनी सारी बातें बताता है जो वो करना चाहता है। डॉक्टर यह सुनकर सोचता है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो उसके पास भी नहीं थी। तभी सारी टीम मिलकर एक बहुत बड़ी पत्थर पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देती है, और तभी वह पत्थर हिलने लगता है। तो वे लोग उस पत्थर पर इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जो इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं वो काफ़ी बड़ी मात्रा में देते हैं, इसलिए वह पत्थर टूट जाता है और उससे एक बहुत बड़ा विशालकाय जीव बाहर निकलता है, जो बहुत विशाल होता है और लोगों पर बिजली फेंकने लगता है। और फिर वह जानवर खुद को आज़ाद कराकर प्लांट से बाहर आ जाता है, फिर वह आसमान में उड़ जाता है। अगले दिन सेना का कमांडर आता है और वह डॉक्टर, साइंटिस्ट और फोर्ड को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन इस हादसे के बाद साइंटिस्ट काफ़ी घायल हो गया होता है। फिर वहां पर जाकर सेना का हेड उन्हें बताता है कि यह कोई आम जीव नहीं है, यह जमीन पर रेडिएशन कम होती गई तो यह जीव समुंदर की गहराई पर चला गया ताकि वह वहां से एनर्जी को पा सके। फिर वह बताता है कि हमारी कंपनी को भी इसीलिए बनाया गया था
कि वह इस जीव को ढूंढ सके, लेकिन वह जीव अभी तक नहीं मिला। और इस जानवर का नाम गॉडजिला था, जिसे हम लोग अर्थक्वेक समझ रहे थे। और इसी के साथ मूवी में दिखाते हैं कि साइंटिस्ट की मौत हो जाती है और फिर सारे लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं और डर जाते हैं, आज ये मरे हैं कल कोई और भी मर सकता है। और तभी हेड को कॉल आती है कि समुंदर में कोई अजीबोगरीब फ्रिक्वेंसी आ रही है, और वह बताता है कि क्रिएचर भी वहीं पर मौजूद है जो एनर्जी को गेन करने के लिए न्यूक्लियर बम खा रहा है। वहां पर कुछ लोग भेजे जाते हैं जो देखते हैं समुंदर में बहुत बड़ा जानवर बाहर आ रहा था, और अब ये विशाल जानवर शहर की ओर आ जाता है। शहर के सारे लोग अपने घरों में छुप कर डरे सहमे होते हैं। तभी हमें गॉडजिला दिखाया जाता है जो गुस्से में काफ़ी तेज चिल्ला रहा होता है। तभी टीवी में न्यूज आती है कि वह क्रिएचर गॉडजिला से बचकर भाग गया। वह क्रिएचर समुद्र में अपने खतरनाक साथियों को गॉडजिला से लड़ने के लिए इकट्ठा कर रहा है। तभी डॉक्टर बताता है कुछ सालों पहले हमें दो अंडे मिले थे, एक अंडे से निकलकर एक जीव जापान के प्लांट की ओर चला गया था और दूसरे अंडे का क्या हुआ ये हमें नहीं पता है। फिर जब वो लोग उस अंडे को देखने के लिए जाते हैं तो देखते हैं उस अंडे से भी दूसरा जीव निकलकर बाहर चला गया होता है और वह दूसरे शहर में तबाही मचा रहा होता है, लोगों को नुकसान पहुंचा रहा होता है। दोनों क्रिएचर को पुलिस ढूंढने लगती है। फिर डॉक्टर देखता है एक क्रिएचर के पंख होते हैं और दूसरे क्रिएचर के पंख नहीं होते। डॉक्टर रिसर्च करने पर पता लगाता है कि जिस क्रिएचर के पंख है वह मेल है और जिस क्रिएचर के पंख नहीं है वह फीमेल होता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फोर्ड भी एक फौजी होता है, तो उसे भी टीम के साथ उन क्रिएचर्स को रोकने के लिए भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ कैप्टन हेड को बताता है सर वो सारे क्रिएचर पूरे शहर में बहुत तबाही मचा रहे हैं, तो हेड से कहता है कि हमें उनको एक बहुत बड़े न्यूक्लियर बम से उड़ाना पड़ेगा। इस बात पर कैप्टन हेड से कहता है इससे तो उन क्रीचर्स को फायदा होगा क्योंकि उनको न्यूक्लियर बम से और ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी। तो हेड कैप्टन से कहता है हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। हेड कहता है अब हमें यह रिस्क लेना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ सारे क्रिएचर समुंदर की गहराई में जाने लगे क्योंकि उनको एनर्जी गेन करने के लिए रेडिएशन की जरूरत होती है और सारा रेडिएशन समुंदर की गहराई में मौजूद होता है और ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे और आसानी से मुकाबला करेंगे। मूवी की दूसरी तरफ गॉडजिला भी उन्हें मारने की ओर आ रहा होता है और फिर सेना का एक दल जिसमें फोर्ड भी शामिल होता है उस क्रिएचर की ओर चल देते हैं और साथ में न्यूक्लियर बम को भी अपने बोट पर रख लेते हैं। मेल क्रिएचर उन पर अटैक कर देता है और न्यूक्लियर बम ले जाता है। अब उन दोनों क्रिएचर्स को वही न्यूक्लियर बम खा के और ज्यादा एनर्जी मिल जाती है। आर्मी का यह प्लान पूरी तरह फेल हो चुका होता है। लोग काफी डर जाते हैं और सोचते हैं शायद अब गॉडजिला ही उन्हें बचा सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह क्रिएचर अपने पूरे शहर में तबाही मचाने के लिए जाने लगते हैं और तभी गॉडजिला वहां आ जाता है और आर्मी भी वहां मौजूद रहती है। फिर गॉडजिला और क्रिएचर की भयंकर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अभी तक गॉडजिला केवल मेल क्रिएचर से ही लड़ रहा होता है। इन दोनों में भयंकर लड़ाई हो रही होती है और गॉडजिला मेल क्रिएचर्स को जैसे ही मारने वाला होता है तभी वहां पर फीमेल क्रिएचर आकर उस पर अटैक कर देती है। और गॉडजिला दोनों क्रिएचर से अकेले लड़ रहा होता है और उन दोनों को अकेले हरा पाना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आर्मी को ढेर सारे अंडे मिलते हैं जो कि फीमेल क्रिएचर्स द्वारा दिए गए होते हैं। आर्मी उन अंडों के पास एक बहुत बड़ा बम लगाकर उसमें टाइमर फिक्स करके ब्लास्ट करवा देती है। ब्लास्ट को देखकर दोनों क्रिएचर्स को अपने अंडों की फिक्र होने लगती है और वह उन अंडों की तरफ जाने लगते हैं। उस ब्लास्ट का फायदा गॉडजिला को मिलता है। ब्लास्ट की रेडिएशन से उसे एनर्जी मिल जाती है और ब्लास्ट से वो सारे रेडिएशन अपनी बॉडी में ले लेता है। फिर वह वही रेडिएशन दोनों जीवों पर छोड़ने लगता है। जैसा कि हम लोग देख रहे होते हैं कि रेडिएशन मिलते ही गॉडजिला और ज्यादा ताकतवर हो जाता है और फिर वह अपनी पूरी ताकत के साथ दोनों जीवों से लड़ने लगता है और गॉडजिला आखिरी में मेल क्रिएचर को मार देता है और यह देखकर फीमेल क्रिएचर काफी गुस्सा आ जाता है। और फीमेल क्रिएचर इस बात से भी गुस्सा होती है कि उसके सारे अंडे आर्मी ने बर्बाद कर दिए। फिर फीमेल क्रिएचर फोर्ड को मारने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन तभी गॉडजिला पीछे से आकर उसका पूरा मुंह खोलकर उसके मुंह के अंदर अपने मुंह से सारी रेडिएशन डाल देता है जिससे वह वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि फोर्ड जो कि काफी जख्मी हो जाता है आर्मी उसे हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। फिर हमें गॉडजिला दिखाया जाता है जो कि आंख बंद करके पड़ा हुआ होता है। लोग सोचते हैं कि वह मर गया लेकिन लड़ाई में थक जाने के कारण वह आंखें बंद करके आराम कर रहा होता है। फिर वह अचानक उठता है और समुंदर की ओर चलने लगता है और इससे ये पता चलता है कि गॉडजिला यहाँ पर किसी को कोई नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया होता। उसकी दुश्मनी बस उस खतरनाक क्रिएचर से होती है जिनको मार कर वह समुंदर में चला जाता है। फिर मूवी में दिखाया जाता है कि फोर्ड भी अपनी बीवी और बेटे के साथ अपने घर चला जाता है और यहीं से मूवी खत्म हो जाती है।